सो हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्मार्ट विंडो स्ट्रेटजीज़। तो यार आज हम जो करेंगे वो है एक टोटली वर्किंग पीपल स्ट्रेटजी, जिसमें आपको जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने मार्केट स्टार्टिंग और क्लोजिंग के टाइम हार्डली 5 मिनट भी अगर स्क्रीन को वॉच कर लिया तब भी आपके लिए बहुत है। मैं पहले आपको बता दूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो ऑल पूरा महीना 2 से लेके 3% के राउंड जो है रिटर्न कमाना चाहते हैं। अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी अनदर वीडियोज आएंगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो नियर अबाउट है 2 से लेके 3% रहेगा। हो सकता है कोई महीना ऐसा आ जाए जिसमें आपको 4% मिल जाए, लेकिन मोस्टली इसका जो टारगेट है वो 2 से लेके 3% ही रहेगा। बट इसमें सेफ्टी पूरी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं चलता हूँ बिल्कुल स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आते हैं हम ये बिल्कुल स्ट्रेटजी के ऊपर। तो यहाँ पर हमने ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी लगा रखी है, ठीक है, तो आप इस पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो यार, स्ट्रेटजी हमने क्या क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया हुआ है, जिस टाइम मैंने ये स्ट्रेटजी लगाई उस टाइम मेरी मार्केट कहाँ पे चल रही थी, मार्केट चल रही थी 18,276। तो मैं हमेशा मल्टीपल ऑफ 500 पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मोस्टली। तो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रेटजी किस पे लगाई है, जुलाई में, ठीक है, जुलाई में, यानी कि मोस्टली 3 मंथ्स अवे। और अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई, यानी कि ये 3rd मंथ है। तो मैंने क्या किया है, एक जो है पुट मैंने बाय की है, 18,000 की मैंने पुट बाय की है, 17,500 की मैंने दो पुट मैंने सेल मारी है यहाँ पे, और उसके बाद 17,000 की मैंने दो पुट मैंने बाय की है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, 5 लॉट मैंने जो है 16,500 वाली जो पुट है उसके मैंने सेल मारे हुए हैं। तो गाइस आप देखिए यार, इसकी विनिंग प्रॉबिलिटी क्या आ रही है, विनिंग प्रॉबिलिटी आ रही है 98.08%। अगर मैं आपको सही बताऊं, अगर ये विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना, अगर 80% भी हमारी किसी स्ट्रेटजी में होती है तो उसके जीतने की संभावना भी ऑलमोस्ट 99% होती है। तो आप ये सोच लो कि जिसकी 98% है तो उसकी विनिंग चांसेस क्या होंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है 28,862, बट अगेन यार ये कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट ये हमें देखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये हमें मिलेगा 3 मंथ के बाद। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार 3 मंथ के बाद हमें इतना मिल सकता है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन मेरा टारगेट है 1 मंथ का नियर अबाउट 2 से लेके 3% सेफ्टी मिल जाए तो भाई मैं आराम से इसी में खुश हूँ। अब इसमें जो मेरा मार्जिन लग रहा है वो कितना लग रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2,18,000। तो मैं इसको 2.2 लाख रुपीस मार्जिन इसको एज्यूम कर लेता हूँ। और मेरा जो नीचे का ब्रेक इवन है वो कितना है, 16,356। तो 16,356 इज माई ब्रेक इवन, जो कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यार अगर 18,000 पे है तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है नियर अबाउट है 2000 पॉइंट्स का नीचे का आपका ब्रेक इवन हो गया। और ऊपर की तरफ तो आप जितना भी आप चलते रहेंगे ये सारा का सारा हरे ही पोर्शन है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को यार ये चिंता है कि सर ये स्ट्रेटजी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई जिस दिन आपका ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो उस दिन तो भाई बथेरे बड़े बड़े धुरंधर इसमें डर जाएंगे। तो यार उसका भी जो एक सोल्यूशन है, देखो वैसे तो मार्केट में कभी किसी का पता नहीं लगता, लेकिन अगर आपको इसकी एडजस्टमेंट सही से पता हो तो आप जो है ना ये स्ट्रेटजी में 11 महीने तो प्रॉफिट में बाहर निकलेंगे, और हो सकता है कि एक महीना आप ज़ीरो लॉस में या हल्के से लॉस में बाहर आ जाएं, लेकिन पूरा साल आप प्रॉफिट में ही बाहर आएंगे। तो यार चलो चलते हैं इसकी एडजस्टमेंट पर, मैं इसकी एडजस्टमेंट संभालता हूँ। तो मैं पहले इसको स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ एडजस्टमेंट समझाने के लिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ एडिट पोजीशन, और मैं यहाँ पे इसको नीचे की तरफ जाके डिलीट मार देता हूँ। ये होगी हमारी डिलीट। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको ध्यान से देखना, मेरी मार्केट है 18,000 वाली पुट बाय है, 17,500 वाली दो पुटे सेल है, 17,000 वाली दो पुटे बाय हैं। मैंने अपना इसका ब्रेक इवन रखना है नियर अबाउट है 17,500। अगर आप 17,500 अपना ब्रेक इवन रखेंगे तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, 9,590। मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ ब्लू लाइन का, क्योंकि वो दूसरा प्रॉफिट तो एक्सपायरी के अराउंड दिखेगा, तो मेरे को देखना है प्रॉफिट ब्लू लाइन का। तो 9,590 आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 17,500 पे जो मेरा प्रॉफिट दिखा रही है वो दिखा रहे 9,590। अब देखो एडजस्टमेंट आपने क्या लेनी है। अब मैं वापस इसी पे आ जाता हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले लगाई थी। अब इस पे मेरी ये सेव है, तो मैं इसको सेविंग पे लगा ले जाता हूँ। तो उसमें आप देखना कि एडजस्टमेंट आपकी कितनी सही से बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप देखो कि अगर आप जो है ना, ठीक है, एक बार आपको एडजस्टमेंट इसकी थोड़ी सी पता लग गई,
तो आपको किसी और स्ट्रेटजी में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी यार देखो, यहाँ पे तो खाने की चॉइसेस हैं, सबको अलग अलग पसंद आती हैं, तो स्ट्रेटजी तो किसी को कैसे एक पसंद आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरी मार्केट जो है, हमने इसको हटा के दिखाया था कि 17,500 पे आई, तो मेरे को मोटा मोटा 9,500 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा था। 9,500 रुपीज़ का जो प्रॉफिट होगा, सबसे पहले मैं उसके साथ 16,500 के ऑलमोस्ट आपके 3 लॉट्स आपके कट जाएंगे, वो मैं उसको क्रॉस कर दूंगा। यानी कि अब मेरे 16,500 के बचेंगे ऑलमोस्ट 2 लॉट। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे 17,100 की पुट तो मेरी पहले बाई थी, अब मैं नया लॉट बाय करूंगा, जिसको जो करूंगा मैं 16,900 पुट का एक नया लॉट बाय करूंगा। और साथ में क्या करूंगा, मेरे को जो है करना है 16,500 के 2 लॉट सेल मेरे पास ऑलरेडी हैं, और मैं क्या करूंगा, 16,000 का एक लॉट सेल कर दूंगा। और ये आपकी जो स्ट्रेटजी है, अब आपका जो स्ट्रेटजी का अगला ब्रेक इवन आ गया, वो सीधा हो गया 16,200। अब अगर मार्केट 16,200 तक जाएगी तो मैं इसके साथ भी ये करूंगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है मैं 16,900 वाली पुट के साथ मैं जो है 16,500 वाले दोनों लॉट्स को क्रॉस कर दूंगा, एंड अगेन 16,000 वाले जो लॉट हैं, मेरे जो एक लॉट था उसको मैं 2 कर दूंगा। और अगर इस दौरान आपका कहीं पे भी आपको दिखे कि 0 लॉस आया है, तो हम स्ट्रेटजी को एग्जिट कर जाएंगे एंड विल मेक अ न्यू वन। तो भाई इसको आपने, ये नहीं है कि आपने स्ट्रेटजी कर दी, आप जो है सब कुछ माहिर हो गए, तो आप चाहें तो इस पर पहले पहले पेपर ट्रेडिंग करें। और आप, मैं यकीन दिलाता हूँ कि 12 महीने में से 11 महीने ये स्ट्रेटजी आपको वैसे ही प्रॉफिट देगी। तो जिस प्रॉफिट के लिए आप इतना जो है दूर तक आते हो, इतनी एडजस्टमेंट लगाते हो, टेक्निकल के चार्ट भी देख रहे हो, ये भी देख रहे हो, फिर भी जो है भाई 90% जो लोग हैं ना, उनका जो टारगेट है ना, वो FD से भी कमाता है। और ये मैं नहीं कह रहा यार, ये जीरोधा के फाउंडर हैं वो कह रहे हैं, नितिन जी, कि भाई उनका जो है FD से भी रिटर्न कम आती है। तो भाई अगर पहले इतनी रिटर्न कमा के देख लो, 2 से लेके 3%, जब इतनी आनी लग जाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, अगले और स्ट्रेटजीज आएंगी वो भी कर लेंगे। तो ठीक है यार, हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, तो हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9888845406, ठीक है। तो प्लीज़ यार, कई बार पिछली बार भी काफ़ी लोगों का कॉल आया था, ठीक है, तो मैं उसका उठा नहीं पाया था, तो मैंने उनको कहा है कि अगर आपका मैं कॉल नहीं उठा पा रहा, तो जस्ट लीव अ व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। तो उस टाइम हो सकता है बिजी हूँ, ठीक है, ना मैं कर पाऊँ, तो हमारी टीम की तरफ से कोई ना कोई जो कॉल है वो आपको पकाएगी। तो सब बने रहिए हमारे साथ, एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स।